हाय हेलो, ये हूँ मैं और मेरे सामने है द माइटी रिवर नाइल, जिसे दरियाए नील और द रिवर ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है, क्योंकि ये रिवर 6,000 से ज़्यादा किलोमीटर लंबा है। तो डेफिनेटली इट गॉट अ स्टोरी, एंड द स्टोरी हियर इट इज़। ये है दरियाए नील, द रिवर ऑफ नाइल, मोर देन 6,000 किलोमीटर्स क्रॉसिंग फ्रॉम मैनी कंट्रीज अक्रॉस द इजिप्ट, इट फॉल्स इनटू द मेडिटेरियन सी। एज पर द सेइंग ऑफ हेरोडोटस, इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल। और अगर ये कहा जाए कि अगर आज रिवर नाइल ना होता तो शायद इजिप्ट भी ना होता, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इजिप्ट इज विदाउट नाइल जस्ट अ डेजर्ट। और यही वजह है कि मोर देन 80% ऑफ द पीपल लिव इन द इजिप्ट नियर द रिवर नाइल। इजिप्शियंस जो कि अपनी रवायात की वजह से पहचाने जाते हैं, उनके लिए ये दरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, क्योंकि ये दरिया उनकी कामयाबी का जरिया था और शायद इसी वजह से वो इस दरिया को चलता रखने के लिए कुछ भी कर सकते थे। और यूं ही वो हर साल एक गैर शादीशुदा लड़की की दरिया में फेंक के बलि दिया करते थे और इसे वो उसके चलने का सबब माना करते थे। मगर जैसे ही इजिप्ट मुसलमानों की खिलाफत में आया, तो इस रवायत को रोकने के लिए हज़रत उमर बिन खत्ताब ने एक खत लिखा और उसको दरियाए नील में फेंक दिया, जिस खत के अंदर ये लिखा था कि अगर तो तुम अपनी मर्जी से चलते हो तो बेशक ना चलना, मगर अगर तुम अल्लाह की मर्जी से चलते हो और अल्लाह ही तुम्हें चलाता है, तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि तुम दोबारा चलो। और उसी रात वो दरियाए नील 16 क्यूबिक तक राइज किया और उसके बाद वो आज तक नहीं रुका। इमाम बुखारी लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जन्नत के दरियाओं में से एक दरिया दरियाए नील है, यानी कि इसी वजह से दरियाए नील को जन्नत का दरिया भी कहा जाता है। मगर आखिर ये 6,000 किलोमीटर पर फैला हुआ दरिया आखिर निकलता कहाँ से है? एंड हेयर आई एम एट द सोर्स ऑफ द नाइल। This is Jinja, Uganda, from where the river of Nile flows. In 1854, John Hannans Nami shakhs yahan aata hai and he discovered the source of the river Nile, and later on he named it as the Lake Victoria after the name of British Queen. This is the spot from where the river Nile was discovered. And this is the person who discovered it. कल्चर और ट्रेडिशन जो कि हर मुल्क की पहचान माना जाता है, इस तरह अफ्रीका का भी एक कल्चर और ट्रेडिशन है। और इसी कल्चर और ट्रेडिशन के अंदर सिर्फ चीज़ें नहीं आती, इनका एक डांस भी है, एंड दैट्स व्हाट कॉल द अफ्रीकन डांस। लो जी, जैकेट तो पहन ली है, तो चलो चलते हैं सोर्स ऑफ द नाइल की तरफ। सितारा तेरे कहकशा में
टूटा ना कोई किनारा जापा तेरे आसमां में फिरता आवारा है ढूंढे तेरी जाऊं कैसे मैं पास तेरे। तो ले जी ये है वो जगह जहां से द नाइल फ्लो करता है, द सोर्स ऑफ द रिवर नाइल। पर वैसी बातें अब नहीं, दिल सितारा तेरे आंगन में खिलता, तितलियों से जहां बातें उसी दास्तां में फिरता आवारा है ढूंढे तेरी जाऊं कैसे मैं तेरे आऊं, वो ही है सारी गलियां पर वैसी बातें अब नहीं, आंखों में बातों में सोचों में किस्से कहानियों में तू शामिल सिर्फ तू शामिल हाँ हाँ तू ही है सांसों। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर कहूँ कि मैं अभी अपनी लाइफ का वन ऑफ द ब्यूटीफुल व्यू देख रहा हूँ तो शायद गलत नहीं होगा। दिस इज ऑन बिहाइंड ऑफ मी, देयर इज रिवर नाइल, यू कैन जस्ट चेक आउट द व्यू। देयर आर ऑल्सो सम मंकीज, मेरे अलावा भी कुछ मंकीज हैं यहाँ पे। You can see on the back of me, there's this restaurant, and there it is, the River Nile with the best view. And here you see the River Nile. Beautiful evening. This is how the water is looking. क्या आप नीचे सब कुछ देख सकते हैं? वो देखिए. This is how the view is. That is the spot that I'm showing you. ये वो spot है जहाँ से River Nile जो है वो discover हुआ था. और यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट बनाया हुआ उन्होंने। सो फार दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस टू सेट, और द व्यू फ्रॉम हियर इज जस्ट अमेजिंग। द नेचर, द रिवर, द बर्ड्स, इवन द मंकीज एंड ग्रीनरी, दिस इज वर्ल्ड अफ्रीका इज। दैट प्लेस, दिस प्लेस ओवर हियर, this one is the source of Nile, this is river Nile। purani video jo banayi hai source of Nile ki wo main wahan se gaya tha, ye yahan se, and that place source of Nile। abhi jab main niche gaya tha wo main yahan se stairs jaati hain niche पूछे सदियों का ये।